देखिए यहाँ ये बिलासपुर से रास्ता आके मिला हुआ है लाल खदान होते हुए, ये हाईवे आगे चलते हैं। देखिए ठेका या ठेका है पता नहीं, यहाँ से रास्ता कटा है ठेका के लिए, ठेका ग्राम ठेका के लिए यहाँ से रास्ता कटा है, ठेका लिखा है, ठेका है कि ठेका है पता नहीं, ढेका के लिए शायद कटा हुआ है, कभी गया नहीं है। और ये आपका अरपा नदी आ गया दोस्तों, एकदम लाल पानी, लाल नहीं है मटमैला कहना ज़्यादा सही रहेगा। कम से कम पानी तो दिख ही रहा है, नहीं तो अरपा में गर्मी में एक भी पानी नज़र नहीं आता उसको। जानकी चांपा रोड है दोस्तों, ये आगे दर्री घाट हमारे बाएं साइड और कल्तरा मस्तूरी सीधा, जानकी चांपा सीधा। हाईवे है देखिए, इधर से देखिए उधर पूरा कितना खाली था, अब यहाँ बिलासपुर सिटी का रास्ता मिला इसमें, उसके बाद देखिए ट्रैफिक बढ़िया। लावर हमारे दाहिने साइड है दोस्तों, बाएं साइड कटा हुआ है रास्ता, और ये है NH 49, और स्टीपल ब्रेकर ब्रेक लगाने के बावजूद कूदा गाड़ी, यहाँ से ग्राम लावर की रास्ता कटा है दोस्तों। मस्तूरी के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा दोस्तों, अकलतरा जानकी चांपा के लिए आपको ये हाईवे कंटिन्यू रहना है, और यदि आपको मस्तूरी जाना है तो आप दाएं साहब सकट के आप सिटी के अंदर जा सकते हैं, यहाँ से दाएं दिशा में कटेंगे आप तो मस्तूरी चले जाएंगे, जिसको मस्तूरी नहीं जाना है वो सीधा चले हाईवे में। देखिए दाहिने साइड जो रास्ता कटा है ये मस्तूरी शहर के लिए तहसील है, जयराम नगर 7 मीटर है, कलतरा 24 मीटर यहाँ से। मसूरी शहर को छोड़ के हम चल रहे हैं दोस्तों, मसूरी शहर आउट हो गया और हम चल रहे हैं कलतरा रोड में, हमने मैप सेट कर दिया दोस्तों, हमारा लोकेशन जहाँ हमको जाना है लगभग 22 मीटर दूर पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बाएं साइड भदौरा और दाएं साइड निकासी इस कुछ लिखा है, और इधर के रोड में ट्रिपल ब्रेकर सामान्य बात है दोस्तों इस हाईवे में। निकारी है निकासी है दाएं साइड, बाएं साइड भदौरा, हाँ दोस्तों 21 मीटर की दूरी है हमारा जो लोकेशन जा रहे हैं वहाँ, और 34 मिनट लगेगा टाइम, 34-35 मिनट। प्रतिमा फ्यूल्स किरारी, हाँ किरारी ग्राम किरारी हमारे दाहिने साइड, आगे भी कोई जगह पड़ रहा है देखते हैं आगे चलते। हमारे दाहिने साइड मसूरी जाने का रास्ता और बाएं साइड जयराम नगर जाने का रास्ता है दोस्तों, आगे बाएं साइड जयराम नगर जा सकते हैं आप और दाहिने साइड आप मसूरी जा सकते हैं। जयराम नगर रेलवे स्टेशन है दोस्तों, मसूरी तहसील शहर, तो आप इधर से बाएं साइड से जयराम नगर, दाएं तरफ से आप मसूरी जा सकते हैं यहाँ से, और सीधा अकलतरा और चांपा के लिए, यानी कि चांपा के लिए।
तो हम अकलतरा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अरे वाह, ये देखो ट्रक पलटा हुआ है यहाँ पे कोयले से भरा, डिवाइडर के पहले ही गिर गया है। अरे बाबा, डिवाइडर में चढ़ा हुआ है गाड़ी जी, डिवाइडर खुद के इस पर आया है, ड्राइवर को झपकी आ गई होगी तो डिवाइडर की तरफ घुमा दिया होगा, पूरा डिवाइडर को कूदते हुए बाहर इस पर आ गया है और गिर गया, पलट गया है। मेरे जैसे लोग भी जा रहे होंगे कहीं घूमने फिरने, पता तो नहीं, किसी को पूछ भी नहीं सकते क्या मतलब कौने भी ये दिलीप डहरिया। पता नहीं, यहाँ पे एक संकेतक लगा है दोस्तों, जयराम नगर के लिए बाएं साइड और ग्राम रिजदा के लिए दाएं साइड, ग्राम रिजदा के लिए दाएं साइड और ग्राम जयराम नगर के लिए बाएं साइड से रास्ता कटा हुआ है, जयराम नगर स्टेशन रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो वो कौन सा रेलवे लाइन है वो तो समझ नहीं आया हमको, जिसको हमने पार करके इधर आ रहे हैं। हाईवे में जब इससे ज़्यादा देखने की चीज़ रहता नहीं दोस्तों, बस रोड रोड रोड, वो भी खाली खाली है। आगे एक और रोड लगा है मेरे ख्याल से जयराम नगर के लिए से एक रास्ता होगा, देखते हैं पास जाके, गाड़ी धीमा करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ हर चौराह के पास सिपर ब्रेकर है, जिसको जो अच्छा जोर से ब्रेक लगाने पर भी रुकेगा गाड़ी सिपर ब्रेकर में। यहाँ से पाराघाट जाने का रास्ता है दोस्तों, मतलब जयराम नगर के फाटक वाला गांव है पाराघाट। आगे टोल गेट फिर से मिलेगा दोस्तों को एक किलोमीटर आगे, ये पाराघाट ग्राम पाराघाट जाने का रास्ता। टोल गेट एक किलोमीटर दूर है दोस्तों, टोल गेट का नोटिफिकेशन चालू हो गया दोस्तों। मसूरी के पहले एक टोल गेट पड़ा, अभी एक और टोल गेट पड़ रहा है इस रास्ते में, पता नहीं इस रास्ते में कितना टोल गेट है। अभी थी बल ब्रेकर, बाइक वालों ने साइड से रास्ते निकाल लिया है। निकल गए दोस्तों टोल गेट से, जगह में नाम नहीं लिखा है कौन सा टोल गेट है तो आपको बता नहीं पाएंगे। यहाँ पर मसूरी के आगे है इस हाईवे में अकलतरा रोड में ग्राम पाराघाट के आगे कुछ है, ये बस्ती है क्या है पता नहीं, पेट्रोल पंप हमारे दूसरे तरफ भारत पेट्रोलियम का। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं यहीं आसपास, कहीं कोई मंदिर वंदिर ऐसा लगता है, ढाबा यहाँ पे, जगह का नाम तो नहीं लिखा है। यहाँ फिर संकेतक लगा हुआ तो पढ़ते हैं कहाँ कहाँ क्या है। हमारे दाहिने साइड अर्जुनी करू
महू और हमारे बाएं साइड कोठवी सोनार जाने का रास्ता है। करूँ महू और बाएं साइड कोठवी सोनार का रास्ता एकदम किनारे आ रहा है यार, एकदम किनारे आ गया। देखते नहीं भी सही, पीछे में कोई गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब कोठवी सोनार जा रहे क्या, पता नहीं भाई। यहाँ से खड़गपुर 674 किलोमीटर दूर है और अकलतरा है 13 किलोमीटर दूर। सब लोग रंग रंग का काम धाम करते हैं। कटने के लिए रास्ता बहुत है, ये है रसेड़ा, रसेड़ा जाएंगे दोस्तों। हमारे बाएं साइड है रसेड़ा, दाएं साइड है अर्जुनी, तो रसेड़ा होके हमको जाना है। ओहो नाला है, नाला जी रास्ता दिखा रहा है। अब हम जानकी चांपा हाईवे छोड़ रहे हैं दोस्तों, ये इधर से बता रहा है गूगल मैप, ग्राम रसेड़ा के अंदर से। ब्रेकर है दूसरे रास्ता में, ये सब वहीं जा रहे हैं सर जहां मैं जा रहा हूँ, ये लोग जहां जा रहे हैं वहां मैं जा रहा हूँ, जैसे भी कहें। भाई आपका नाग नागिन जो पहाड़ है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग जाते हैं आज के दिन, मेला एक ही दिन तो भरता है साल भर में। तो इस रास्ते में गाड़ियाँ दिखे तो अजीब बात नहीं, सामान्य बात है आज के दिन, बाकी दिन तो बात अलग है। ग्राम रसेड़ा यूनिक पब्लिक।